कनोटू में एक डॉग है, मैगेट होम का केस है, हाफ डेड ही है, मतलब अधमरा सा पड़ा हुआ है कहीं पे, तो उसको लेने जा रहे हैं अभी। डॉग बांध के रखा क्या उधर? तो नहीं है, पर वो कह रहे कि किसी का जो फोन आया था ना, वो कह रहे कि हमारे घर के बाहर उल्टा पड़ा हुआ है, वो ये कह रहे कुत्तों ने खाया हुआ है। अब वहाँ पे तो रोड भी नहीं है, गाड़ी नहीं जाती है, ऊपर से बारिश। इनमें कहाँ तक जाना है हमें? यहाँ पे जा रहे हैं ना, वो है शायद ये पहले आया था हमारे पास। हाँ, हमारा कॉलर बना हुआ ना। आए थे ये। बहुत ही बुरा हालत है इसका। जिंदा है डॉग? हाँ, सांस तो ले रहा है ये तो। ये शायद रात से बड़ा था रास्ते में, ये बारिश में पूरी रात भी गर है, भीग पड़ा है शायद, लग रहा है। बट इंजरी कैसे लगा तो होता नहीं पता ना उनको। बहुत ही बुरा हालत लग रहा है उसके तो। जिंदे? हाँ। लेटा हुआ है ना? हाँ, रास्ते में लेटा हुआ था। ये डॉग पहले भी आया था ना हमारे पास। हाँ, काफ़ गया था सर, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था ना कैनल में, बहुत दिन भर हल्ला करना, रात में वहाँ गया था उस दिन। इंजरी उस टाइम उसकी पूरी हील नहीं हुई थी, जो कान के पीछे मैगेट फूम था, उसके बाद हमें मिला भी नहीं था। वहाँ पर लोगों ने ये भी बोला था कि शायद इसको किसी ने जहर दिया है, और मेन तो रीज़न पता नहीं है, लेकिन जल्दी से पहले इसको अटेंड करना पड़ेगा। कितने पहले आया था इधर? एक महीने डेढ़ महीने पहले आया था। कम होगा बहुत, वही कर रही हूँ अभी के अभी सारी करना, टेम्परेचर आ नहीं रहा फिर मम्मी जी, इतना कम है। बारिश की वजह से इसको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है ना। इस टाइम पे इसको शॉक से निकालना बहुत जरूरी है, हाइपोथर्मिया गया इसमें काफ़ी ज़्यादा, 90 डिग्री टेम्परेचर है। और हाइपोथर्मिया के लिए क्या कर रहे हैं अभी हम? डेक्सन बेटा सोन दे रहे हैं जरूरी, और साथ में गर्म कर रहे हैं इन्वायरमेंट इसके लिए। तो जनरली हाइपोथर्मिया में डीएनएस मतलब ग्लूकोज भी बहुत कम होता है, इसलिए हम डीएनएस भी दे रहे हैं साथ में। साथ रहना, अगर डॉग मूव कर रहा है, हड़बड़ा रहा है, तो तुरंत आवाज़ देनी है ना, ठीक है? छोड़ के नहीं आना है डॉग को बिल्कुल भी, नहीं तो गिर भी सकता है, है ना? और वाटर बैग चेक करते रहना है कि गर्म हो। कुछ मूवमेंट है इसका अभी तक? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा था, गर्दन हिलाई थी। जो सुबह डॉग है उसका टेम्परेचर बेटर हुआ? टेम्परेचर 95 तक पहुंच गया था लंच के तक, हम उसको सब कुछ करके गए थे, ब्लैंकेट लगा कर गए थे एक्स्ट्रा, लेकिन बनाना को हम बचा नहीं पाए। पर बनाना की ही तरह बहुत से डॉग इस समय दिल्ली में जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेघर तो वो पहले से ही थे, पर बाढ़ आने के बाद वो विस्थापित भी हो गए हैं। भूख और बीमारी की उनकी इस लड़ाई में दिल्ली के कुछ रेस्क्यूअर्स और फीडर्स उनकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उन रेस्क्यूअर्स और फीडर्स को आपकी मदद की आवश्यकता है। चाय को इधर क्यों लगाया अभी? रिलीज करने के लिए, टेल के नीचे एक वुंड था जब हमने इसको रेस्क्यू किया था, मैगेट वुंड काफ़ी डीप था, वो पूरी तरीके से हील हो गया है। उसके बाद इसकी स्पेस सर्जरी की गई, स्पेस सर्जरी का जो सूचर है वो भी हील हो चुका है, और अब रिलीज
मैंने देखो बहुत लूज लगा है ना इसको, क्योंकि अभी हमने वो डॉग्स को रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाने बंद कर दिए थे, बट अभी बारिश है, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं, तो इस वजह से लगा दिया। बाहर आएगी बच्चे, आना चल आ जाए, कम ऑन बच्चे, चाय क्या हो गया बेटू, बिल्कुल जाने का मूड नहीं है, बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही है, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, वापस बिठा देती हूँ केज में, चलो चलो वापस। डॉक्टर सरन, इसका नाम क्या है? कटार। ये नाम आपने रखा ना? अरे इसका जो ग्रोथ है ना, कैंसरस ग्रोथ, वो कटार जैसी लग रही थी। किधर? बिल्कुल सर, बस बस हो गया, मेरा गया था। मैं ब्रदर नवीन जोर से पकड़ा उसको। मेरे को उठा के वहाँ फेंकेगा बाहर। इंजरी कैसी है अभी इसकी? ठीक है अभी तक तो, ठीक भी नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो इसका वोंड है, जहाँ पे जो इंजरी हुई थी ना, वो तो बेटर हो रही है, हील हो रही है अपने हिसाब से, पर जो बाहर से देखने में लग रहा है कि कुछ कैंसरस ग्रोथ लग रही है, मे बी कैरेटिन बाहर के ऊपर, कि इसको एमएसएल कार्सिनोमा लग रहा है, तो वो तो सर्जिकली ही रिसेक्ट होगा, वैसे ठीक होगा, पर अभी के लिए जो हम कर सकते हैं कि जो जितना इतना डेड टिश्यू है वो काट के नॉर्मल वोंड ड्रेसिंग करके वही ठीक कर रहे हैं। एक मिनट पास हेलो, इंजेक्शन तो आराम से लगाया है। इंजेक्शन लगवा लेता है थोड़ा आराम, रेली कस के पकड़ा होता। मतलब ऐसे ड्रेसिंग कराने के लिए बड़ा तंग करता है, बहुत तंग करता है, दो तीन दिन तो इसने बड़े तंग किए, बहुत। अभी तो थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा बेटर है। कटार की नॉन कोऑपरेशन तो एक समस्या है, पर पशुओं की मदद करने में बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिसमें टीम का ना होना और संसाधन ना होना दो बहुत बड़ी और बहुत कॉमन समस्याएं हैं। जामनगर गुजरात के हर्ष जानी ऐसे ही एक रेस्क्यूअर हैं, जो इन समस्याओं के साथ जूझते हुए भी इतनी आगे आ गए हैं कि उन्होंने डॉग्स की मदद करने के लिए एक शेड का निर्माण कर लिया है, लेकिन अब उन्हें आवश्यकता है शेड के लिए कूलर की, डॉग्स के लिए खाने की। हम में से बहुत से लोग पशुओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हम शुरू नहीं कर पाते, पर जिसने शुरुआत कर रखी है, अगर हम उसके साथ जुड़ जाएं, तो हम कितने पशुओं की मदद कर पाएंगे। ये कल लेके आए थे ना साहिल, जो पशु वाले वाला है, पर उसको कुछ पता नहीं कि आंख पे कैसे इंजरी हुई, और मैगट बोल रहा है इसको कर देगा और आंख चले गई। कल हमारे पास जब आया था, हमने एरोमेटिन सीधी पावर ऑन कर दी थी इसके ऊपर, जितने भी मैगट से सब मर गए हैं, अभी एक बार निकाल रहे हैं इसको। बहुत ही बुरा हालत है ऐसा, आँख तो है इसकी, पर जो ऑर्बिटल कैविटी है उसकी, जिसमें आँख रहेगी, वो तो डैमेज है पूरी, वहाँ का टिश्यू आसपास का सब डैमेज हो चुका है। जो ब्लूइश सी दिख रही है ना आँख की, नेगासिन पाउडर अपने लगा दिया था वोन पे, अभी हम इस पर बीटाडीन का गोज बना के डाल देंगे, कल से हम वापस से हाइपरटोनिक गोज बना के लगाएंगे। बढ़ जाओ, अच्छा शेरा चल रहा है, बढ़ जाओ। इसकी आँखें ऐसे तो टिशू, हम इसको बस साफ इन्वायरमेंट देंगे, खुद से ही अपने आप हील हो जाएगा। बस बस ज़्यादा ही देखो, अरे उसको मत तंग करो यार, उसको कुछ दिखाने दो, तुम तो हमेशा उसको रिकॉर्ड करने के चक्कर में लगे हो। दीदी सर आपको बुला रहे हैं। दीदी सर, अरे वो ट्रीटमेंट तो कर लें, जिस काम के लिए है वो यहाँ पे, तुम्हारे को तो अपना कंटेंट ही पड़ी रहती है। किसी ने कुछ किया है नहीं बस बोले। दीदी क्या हुआ इसको? तुम विक्की पे कैमरा घुमाओ, विक्की को देखो, विक्की विक्की आज कैसे दर्द भरे क्वेश्चन पूछता है। सर ये बहुत दर्द भी होगा ना। नहीं, अरे आज विक्की ने मुझे बड़ी जबरदस्त एडवाइस भी दी कावशक ने। सर अगर ये बैल आपको मारने लगे ना, आप भाग जाना। भाई कितना इंटेलिजेंट है। मेरे को जो समझ में आया था मैंने बोला, सर उसके बहुत पास थे, सर मारने लगे तो भाग जाना है। मैं क्या करता हूँ? नहीं कभी लग एनिमल लवर जाग जाए और आपको भी नहीं आ बहल, मुझे आ बहल, मतलब सोचो कि इसको लगना जाए मैं ये रुक जाएगा। मैं आया था कि कंधे में लेके चल रहे सबको। ज़्यादा हो गया आपका, आपको कुछ दिखाना है?
दीदी ने प्रण लिया है कि मैं तो कुछ नहीं बोल रही कैमरे में। अगर ये कैमरे में नहीं करना रिकॉर्ड, उसको बस ये दिखाना है मुझे कि कितना फर्क है, पब्लिक उसको कैसे देख रही है और ज्योति को कैसे देख रही है। देखो ठीक है दीदी, मैं बंद कर देता हूँ, वहीं आके दिखाऊंगा ना। ये हमारा रिटेंशन का ग्राफ है ना, ये बताता है कि लोग मतलब कितने लोग जो है ऑडियंस क्या देख रही है। ठीक है, ये अब ये जो स्पाइक गई है ना, यानी कि लोगों ने रिवाइंड कर करके देखा है, ये वो वाला पार्ट देखा है जब राजा ने ज्योति के। ठीक है, लेकिन जब आपको मुर्गे ने काटा किसी ने नहीं देखा, रिवाइंड करके नहीं देखा। लेकिन जब आपने विक्की की टांग खींची, वो लोगों ने टांग लिया, वो लोगों ने रिवाइंड कर करके देखा। आपको वो पता क्यों देखा? रामकुट से तेरे को बोल रही थी क्या? मत करो यार रिकॉर्ड, मत करो रिकॉर्ड, क्या उस बात को बंद कर दिया। लो यार मतलब ये लो, जब तेरे को बोल रही थी कि तेरी बेइज्जती हो रही है। कहाँ गया वो? ये रहा, हाँ जब ये पार्ट नहीं, लोगों ने वो पार्ट रिवाइंड करके देखा है जब वो कुनाल तुम्हें कह रही है राधा कि प्लीज भाई मत डालियो, प्लीज मम्मी मत डालियो। अच्छा, मैंने आपके कहने पे ब्लर भी करा था उसको ना। अच्छा, तभी लोग कह रहे थे कि हमने तो पहचान ही नहीं रहा दी है ये। Ah.